न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे से। आज पप्पू यादव ने 2 लाख रुपए बांटे। पप्पू यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना ही होगा, क्योंकि पप्पू यादव सबकी मदद करते हैं बाढ़ पीड़ितों की, कोरोना पीड़ितों की। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जो हैं वो लगातार बिहार और बिहार के बाहर मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव आज की बात करें तो आज खुद वो भूख हड़ताल पर हैं और देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग आज खाना ना खाएं, ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक खाना पहुंच सके। आज जरूरत है कोरोना के साथ गरीब मजदूर, बंधुआ मजदूर और आम लोग जो आज भूख से परेशान है, माँ की भूख से, बच्चों की भूख से, अपने भूख से, परिवार की भूख से, और जो भी इस देश के हीरो हैं, नायक हैं, जो आम लोगों के लिए जीते हैं, आम लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए, उस हीरो के लिए मेरा आग्रह है कि आप आज एक दिन उपवास रखें। जरूरत है कोरोना के साथ गरीब मजदूर, बंधुआ मजदूर और आम लोग जो आज भूख से परेशान हैं, माँ की भूख से, बच्चों की भूख से, अपने भूख से, परिवार की भूख से, और जो भी इस देश के हीरो हैं, नायक हैं, जो आम लोगों के लिए जीते हैं, आम लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए, उस हीरो के लिए मेरा आग्रह है कि आप आज एक दिन उपवास रखें। इन तमाम चीज़ों के बाद बिहार की 2 बेटियों ने पप्पू यादव के जिस तरीके से वो लोगों की मदद करते हैं, जिस तरीके से पैसे बांटते हैं, उस पर एक वीडियो बना करके न्यूज फॉर नेशन को भेजा है। तो वो वीडियो हम आपके लिए आगे दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से बिहार की ये बेटियां पप्पू यादव के काम की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। आज पप्पू यादव ने 2 लाख रुपए बांटे। पप्पू यादव इतने पैसे लाते कहाँ से है? पप्पू यादव अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों, अपने किसी साथियों से इतने पैसे ले लेते हैं। सुना है मैंने पप्पू यादव गब्बड़ बन गए। हाँ, आज जब पप्पू यादव सारे पैसे बांट के आए तो वो जब घर आए तो उनके पास मात्र 4,500 रुपए ही बचे थे, और फिर उसी बीच 10 लोग और आ गए। तो पप्पू यादव ने अपने पीए से पूछा गब्बड़ की आवाज में, अरे ओ सादिक, कितने लोग हैं? तो सादिक ने बोला, 10 लोग हैं हुजूर। तो पप्पू यादव ने सादिक से पूछा, तुम्हारे पास 500 रुपए हैं क्या? तो पप्पू यादव, सादिक ने बोला, हाँ है हुजूर। तो पप्पू यादव सादिक से पैसे ले लिए और सारे पैसे कोरोना से प्रभावित लोगों को दे दिए। पप्पू यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना ही होगा, क्योंकि पप्पू यादव सबकी मदद करते हैं बाढ़ पीड़ितों की, कोरोना पीड़ितों की। थैंक यू, बाय।